भाई साहब बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देवेंद्र संजो ये हैं जितेंद्र कुमार जी, ये अम्बाला हरियाणा से हैं। मैं बताना चाहता हूँ हमारी जनता को कि जितेंद्र कुमार जी ये एक सीनियर अकाउंटेंट हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। तो मान्यवर कुछ बताइए हमें कि आपका काम किस सर, प्रकार का है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सर, हम डायरेक्टर कॉम पोस्टल एक डिपार्टमेंट है सर, उसमें सर हम सीनियर अकाउंटेंट का मैं काम कर रहा हूँ। जितने भी पोस्ट ऑफिसिस है उसके नीचे जो है एसओ बीओ होते हैं सर, उनका जितना भी हम पेरोल होता है, जैसे डिपार्टमेंट होता है आपका, पेंशनर का होता है, जीडीएस का होता है, उन सब का सर हम सिस्टम ऑडिट करते हैं सर। तो इसके लिए तो आपने काफी ज्ञान प्राप्त किया होगा इकोनॉमिक्स? नहीं सर, इसकी उसकी जरूरत नहीं है सर। एसएससी का एक एग्जाम होता है सर, वो कॉमन होता है, उसके लिए कोई आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। मैं सर जैसे बीएससी से हूँ। बीएससी किया था? हाँ जी, बीएससी पीसीएम। भाई साहब हम भी बीएससी किए थे जी सर, पता है सर। लेकिन हमको तो अकाउंटिंग आता नहीं। आप परफेक्ट स्क्वायर हो गए हो सर, 81.9 का स्क्वायर देखो आप, 81 एज हो गई आपकी, परफेक्ट स्क्वायर हो गए आप, स्टार ऑफ द मिलेनियम। ये काउंटिंग सभी काउंटिंग से बड़ी है सर। बचपन से आप, जब कभी आपने होश संभाला तो आप यही काम करना चाहते थे या कुछ और थे आपके इरादे? सर एक्चुअली इरादा तो था सर एयरफोर्स ज्वाइन करने का। हाँ जी, CDS NDA के सर बहुत सारे रिटन एग्जाम दिए थे। NDA का मैंने दिया इलाहाबाद में, मेरा SSB हुआ तो वहाँ पे नहीं हो पाया। CDS के भी मैंने काफ़ी दिए, नहीं हो पाया, डीमोटिवेट हो गया था सर। तभी सर एक कोई फ्रेंड होते हैं ना सर, बता देते हैं कि ऐसे ऐसे एक सेलिब्रिटी थे, तो उन्होंने आपका नाम लिया सर। अमिताभ बच्चन जी भी गए थे कि उन्होंने ऐसे दिया सर। पूछना चाहता हूँ सर, गए थे क्या आप? एग्जाम आपने भी दिया था क्या CDS NDA का सर आपने? सर हम जब स्कूल से निकले, हाँ जी, तो हमको पता नहीं था क्या करें जी सर। तो हम जहाँ रहते थे दिल्ली में जी सर, वहाँ हमारे घर के सामने एक मेजर जनरल रहते थे आर्मी के। जी सर, जी सर। तो कदा उनसे मुलाकात होती रहती थी। वो एक दिन आए बाबूजी के सामने, ने कहा ये लड़के को मुझे दे दो, इसको हम आर्मी में एक बहुत बढ़िया अफसर बना देंगे। तो हमको लगा हाँ बन जाएंगे। तो सर तो गए सर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एयरफोर्स भी जाना चाहते थे जी सर। जी सर, हमारी और आपकी बातें कितनी मिलती जुलती। बिल्कुल सर, BSc किया, हम भी BSc किए सर। बिल्कुल सर, और एयरफोर्स में जाना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखते ही रिजेक्ट हो गए, बोले तुम्हारा टांग बहुत लंबा है। बहरहाल ऑलराइट जितेन जी, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? जी सर, मेरे एल्डर ब्रदर है और ब्रदर इन लॉ है सर। प्रणाम करता हूँ। और आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, तालियां बज जाए उनके लिए। ऑलराइट सर, जैसे मैं प्लस टू में कॉलेज टाइम पे था ना, तो मैं बहुत साई था सर। तो इंग्लिश के टीचर ये कहते थे कि अगर जितेंद्र को ये कहे ना लड़की कि इसने जो है मेरे को छेड़ा है, तो मैं उसकी बात पे विश्वास नहीं करूँगा। तो इतना साई है, कभी कर ही नहीं सकता, मैं लड़की को गलत मानूंगा। आप शायद थे बहुत सर। तो अब मतलब उस टाइम का जितेंद्र, उस टाइम पे जितेंद्र धरती आसमान का अंतर है सर। बिल्कुल सर, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। मतलब ये आप सुनिए, ठहर जाइए, बात खत्म कर दीजिए। ये आप अपना जो होने वाले हैं उनके लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? नहीं सर, वो होने वाले तो आ गई है सर। आ गई, आ गई। ऑलराइट, ओके सर। ये आप तीनों पीले रंग का टी शर्ट पहने हैं, एक ही जैसा है, क्या लिखा है इस पे? असरदार अग्रवाल। मेरा नाम है दीपक। मेरा नाम पूजा। मेरा नाम रमा। ये मेरी वाइफ है और ये मेरी मदर है, और हम हैं असरदार अग्रवाल। मेरी मदर एक्चुअली बहुत आपकी माला जपती थी, जब से KBC आया है तब से, एंड फाइनली आफ्टर 20 ईयर्स बिकॉज ऑफ माई मदर हम यहाँ आ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ऐसा होता था कि 12 महीने में 3 महीने डिनर का टाइम अलग होता था, 9 महीने डिनर का टाइम अलग होता था। ऐसा क्यों? वो आपकी इतनी बड़ी है फैन कि 9 बजे के बाद किचन हो जाता बैन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं भाई साहब इस धनराशि से कम आप गोवा वगैरह जहाँ जाना चाह रहे थे तो घूम सकेंगे। क्या करना चाहेंगे धनराशि से? सर धनराशि से ज्यादा मेरा सर एक मैसेज है सर, स्टोरी है सर इसके पीछे। वो जो सर मेरे बड़े भाई साहब है, उनका बेटा था सर सागर, मेरा भतीजा। तो सितंबर 19 की बात है सर, उनके साथ में एक एक्सीडेंट हो गया था सर। तो जो सागर है सर, वो मेरा भतीजा था। तो उस टाइम पे ये कोई सोशल साइट से कोई सेकंड हैंड मोबाइल खरीद रहे थे सर, ये और इसका कोई फ्रेंड सर।
तो कोई मतलब फ्रॉड बंदा इनको फंस गया सर, वो अपने आप को वो बता रहा था कि मैं फौजी हूँ, तो उनको व्हाट्सएप के थ्रू जो है उनको जो है वो मैसेज कर रहा था कि ये मेरी आईडी है, वो फेक आईडी बना के सर, तो उसमें ट्रैप में आ गए सर, वो अप्रोक्सीमेटली 2021 के करीब वो फ़ोन था सर, वो उनको 5,500 में दे रहा था नया फ़ोन सर, हालांकि सर बीटेक सीएस था कंप्यूटर साइंस, तो वो उन्होंने क्या है कि उसको ट्रैप करना शुरू किया, पहले 500 डालवाए, फिर 1,000 के कोरियर चार्जेज के तौर पे, ऐसे करते करते 12,000-13,000 रुपये, फिर 19,000 के करीब वो डलवा लिए। तो वो क्या था कि क्योंकि बड़े ब्रदर थे ये पीजीआई में एडमिट थे, तो कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया ये, और वो बहुत ही डिप्रेस हो गया। और सितंबर 2019 को सर 28 सितंबर को उसने सुसाइड कर लिया था। अरे तो वाह जी सर, सर वो मेरे से सर हर बात शेयर करता था, लेकिन ये बात उसने शेयर नहीं की कि चाचा जी मेरे साथ में ऐसे इंसिडेंट हो गया, इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या, अगर वो मेरे को बता देता तो सर वो आज वो जिंदा होता मेरे साथ। तो बेसिकली सर मेरा यहाँ पे आने का पर्पज ही ये है कि हर एक लोग इन चीज़ों से अवेयर हो कि लोग बाग कैसे आपको ट्रैप करते हैं। अभी तक मैं यकीन नहीं कर पा रहा सर वो हमारे बीच नहीं है सर, चार साल हो जाएंगे सर सितंबर 19 में, तो अभी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे बीच में नहीं है वो। संदेश देना चाहता हूँ जितने भी बच्चे हैं, एक बार ये कदम उठाने से पहले आप जरूर सोचें अपनी फैमिली के बारे में, क्योंकि सोल्यूशन हर एक चीज़ का होता है, कि आप अगर लाइफ को ही आप गंवा दोगे फिर तो कुछ होगा ही नहीं। एक प्लेटफॉर्म मिला है सर मेरे को ये कि मैं हर एक जो है आदमी को अवेयर कराना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ में आप फ्रेंडली रिलेशन रखो, क्योंकि कहते हैं ना जब बच्चे का पैर जो जूते में आना शुरू हो जाता है तो वो आपका बच्चा नहीं रह जाता, वो आपका जो है मतलब कि एक तरह से दोस्त बन जाता है। बिल्कुल, तो इस तरह से भी आपको ट्रीटमेंट करने है उनके साथ में, ताकि वो हिचके ना आपसे कोई भी बात शेयर करने से। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है सर आपसे ये सुन करके, और जो आपने अभी कहा है कि मैं जनता के लिए भी ये कहना चाह रहा था, मैं भी कुछ एक सूचना के तौर पे अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा। देवी और सज्जनों देखिए, हमारे जीवन में देखिए अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और जीवन जो है वो निराशा से भर जाता है। ऐसे में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, ये एक राय है मेरी और एक ये समझ लीजिए कि ये एक निश्चित रूप और पत्थर पर लिखी हुई एक वाक्य, अपने किसी भरोसेमंद कोई बड़ा जिस पर आपका विश्वास हो या अपने परिवार के किसी सदस्य से आप बात अवश्य कर लीजिए, बात कर लेना चाहिए। जीवन में ऐसी कोई भी दुविधा, गलती, संकट नहीं है जिसका आपके अपने परिवार, मित्रों या रिश्तेदारों के मार्गदर्शन से हल ना हो सके। तो प्रार्थना है आपसे, कभी भी कुछ इस तरह की गलत चीज़ों को सोचने से पहले आप अपने किसी निजी दोस्त से, खास तौर से परिवार, जैसा कि आप कह रहे थे, परिवार के लोगों से अगर बात कर लेते तो आपको सही मार्ग बता देते। जितेंद्र कुमार जी के साथ जो हुआ वो हम अपना अफसोस प्रकट करते हैं। सर मैं जब पढ़ता था ना सर, तो एक बुक थी सर, उसके फर्स्ट पेज पे लिखा था, अगर मन में आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। क्या बात, आपकी बातें सर आंखों पर। जितेंद्र कुमार जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपसे मिलके आपकी बातें सुन करके जी सर, हमारी जितनी जनता यहाँ बैठी और दर्शक भी बहुत ही प्रभावित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।